एक नंबर भाई भाई ओवरलोड के वजह से ये चेक करिए गाइस पूरा गाड़ी खराब भाई जहाँ तहाँ सो गए पकड़ते 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 पा पा ओ गुड गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं जा रहे हैं जिस तरफ घर बन रहा है मतलब बाउंड्री हो रहा है हम लोग का घर का तो उस साइड जा रहे हैं और देखते हैं और गाइस ये चेक करिए मेरे घर का कम बैक टू माई चैनल। सो गाइस आप लोग कैसे हैं? ऐसा करता हूँ कि अपने अपने लाइफ में सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे और गाइस स्वस्थ होना भी चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट रोड से, देख सकते हैं बारिश के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस आज का वेदर चेक करिए क्या मौसम है, मानसून वाला। गाइस अभी हम जा रहे हैं आदिपुर, मेरा वहाँ घर बन रहा है, मेरी मम्मी का आधा आधा बनाया वाला घर है वो, उसका घर का बाउंड्री हो रहा है तो जा रहे उसी के लिए थोड़ा काम से। सो गाइस मेरा गोप्रो हल्का हल्का भींग गया होगा, आप लोगों को दिखे रहा होगा, बट फिर भी मैं गोप्रो ऑन करके चला रहा हूँ। तो सावन स्टार्ट होने वाला है और भाई सब बारिश होना बहुत ज़रूरी, हर साल की तरह इस साल भी सावन जैसे जैसे करीब आता है तो बारिश होना शुरू हो जाता है। और देखिए बारिश स्टार्ट हो गया भाई, अब हमेशा बारिश में ही राइड आपको दिखेगा। तो गाइस आपका भाई देख रहा है कितना मेहनत कर रहा है, आप लोग के लिए बारिश में ही ब्लॉग बना रहा है, ये चेक करिए गाइस पूरा। आप लोग को ब्लॉग में ठीक से दिख रहा है कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बट गाइस मैं ब्लॉग फिर भी बना रहा हूँ और आपका भाई पूरा भींगते हुए जा रहा है, बारिश का मज़ा ले रहा है। तो सामने चेक करिए, अभी हम लोग जनरल ऑफिस पहुँच गए, टाटा स्टील का गेट है यहाँ मेन गेट, यहाँ से ऑफिसर लोग इंटर करते हैं तो आपका भाई भी यहीं से इंटर करता है। ये जगह पार्किंग है, यहीं पे आपका भाई पार्किंग में गाड़ी लगाता है। अभी हम लोग बिष्टुपुर गोल चक्कर पहुँच गए हैं, यहाँ से हम लेंगे राइट। भाई बारिश बहुत तेज हो रहा है तो हमको कहीं रुकना पड़ेगा, तो देखते हैं अच्छा सा जगह में कहीं रुकते हैं और गोप्रो को भी थोड़ा पहुँच लेते हैं क्योंकि बारिश में पूरा भींग गया होगा। A few moments later. बारिश अभी बहुत तेज होने लगा था तो मैंने एक जगह रुक गया, फिर अभी बारिश छूट गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने लोकेशन की तरफ। ये भाई को चेक करो, अपना पिछवाड़ा बचा रहा है पानी से, उसके ऊपर ना लग जाए। एक नंबर भाई। तो गाइस चलते हैं हम लोग। फाइनली अपने यहाँ मौसी के घर पहुँच गए हैं, अंदर चलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं, जा रहे हैं जिस तरफ घर बन रहा है मतलब बाउंड्री हो रहा है हम लोग का घर का, तो उस साइड जा रहे हैं और देखते हैं। और गाइस ये चेक करिए मेरे घर का बाउंड्री के लिए ईटा गिरा है, देखिए लेडीज लेके जा रही है। तो चलते हैं अब वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है और बाउंड्री कैसे कैसे हो रहा है। सो गाइस ये चेक करिए घर का काम हो रहा है पूरा, ये छोटा सा घर बना हुआ है हम लोग का एंड ये देखिए बाउंड्री हो रहा है हम लोग का। और इस जगह में मेन एंट्रेंस गेट बनेगा, व्यू देख रहे हैं गाइस क्या सही लग रहा है। A few moments later. अभी हम लोग निकल रहे हैं मेरे मामा के साथ, अभी घर के तरफ निकलेंगे हम लोग। ये मेरे मामा का स्कूटी है। ये चेक करो गाइस घर का काम चल रहा है जोर शोर से। अब हम लोग निकलते हैं घर तरफ, गला गली में पहले भी आए थे बहुत छोटा थे तब, जब उस टाइम में मम्मी भी लेके आती थी हमको और अभी जाके आ रहे हैं भाई। मम्मी को जाके बहुत साल हो गया लेकिन उनके साथ जो घूमे हैं ना हम जमशेदपुर का हर एक कोना, मैं मम्मी मेरे को साथ में लेके अपने घूमती थी, बहुत अच्छा लगता था भाई। हम कुछ इतना जानते भी नहीं थे, अब मेरे को सब याद आता है। और ये चेक करो गाइस मेरा मामा कौन सा रास्ता से लेके जा रहा है मेरे को, देखो यहाँ गाना चालू है, नो कॉपीराइट ना आ जाए बस। मेरा मामा कहाँ कहाँ से मेरे को शॉर्टकट रास्ता लेके जा रहा है, ये रास्ता तो मेरे को याद नहीं होगा एक बार में, लेकिन जब आदिपुर में रहने लगेंगे तो फिर मेरे को याद हो जाएगा। अभी रहने का तो बहुत दूर है क्योंकि बहुत सारा काम है अभी, और जब मेरे पास खुद का इनकम अच्छा आना लगेगा तब ये घर को हम बढ़िया से बनाएंगे अपने तरीके से। ओ भाई कहाँ आ गए, हमको भी नहीं समझ आ रहा है। ओहो अच्छा ये रास्ता यहाँ निकल रहा है गाइस, ये चेक करिए हम उधर से आ रहे थे और हम इस साइड चल गए थे, इधर निकलते तो शायद ये रास्ता मिलता हमको। यहाँ रास्ता थोड़ा खराब, ये भाई क्या है भाई जहाँ तहाँ सो गए और कितना ख़राब लगता है ऐसे रोड में सो जाने से, लेकिन क्या करेगा जिसका घर में छत नहीं है वो कहीं भी सो जाएगा। मेरे को ना देख के ना बहुत ख़राब लगता है सब चीज़ को,
लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना। तो मेरे को भी लगने लगेगा ना कि मैं अपने पैर में खड़ा हूँ, तो मैं ना भाई बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में अपना। ये सब तब होगा जब मेरे पास अच्छा इनकम होगा। अरे ये सब मेहनत तो ऐसे भी कर रहे हैं, पर देखो गाइस कब मेरा किस्मत चमकता है। किस्मत तभी चमकेगा जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए तो मेरा किस्मत चमकेगा और आपका भाई आप लोग के लिए एक से एक कंटेंट ब्लॉग लेके आएगा। हाँ ठीक है। सो गाइस मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। गाइस मेरे लाइफ में ना मेरे सबसे मेन रोल जो होता है ना फैमिली में, वो मेरे मामा लोग का मेन रोल है, सबसे मेन रोल। मेरे जो भाई आज आपका भाई जो कुछ भी कर रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा आपका भाई का तरफ से जो रोल है ना वो मेरा मामा है, जिसे मेरा बैक सपोर्ट बोलते हैं ना वो मेरे मामा है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, ऐसा मामा सबको मिले मैं चाहता हूँ। गाइस बहुत सारे लोगों के लाइफ में होते हैं कि शकुनी मामा आते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में भाई ऐसा मामा आया ना जो मेरे लिए भगवान है भाई। भगवान बोलते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं जा पाते लेकिन किसी ना किसी को अपने रूप में भेजते हैं, तो मेरे लिए मेरे मामा है। सोचो मेरे मम्मी पापा नहीं है लेकिन मेरे मामा लोग मेरा ध्यान रखे भाई। हम लोग तीनों भाई बहन, मेरी बहन का शादी करवा दिया भाई, वो भी इतना धूमधाम से। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए भाई, जब तक हम जिंदा है ना तब तक हम अपने मामा लोग का ध्यान रखेंगे, हमेशा ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे अपने मामा लोग के लिए, सब कुछ करना चाहते हैं। चलते हैं गाइस बिष्टुपुर स्कूल के सामने में, मेरे मामा बोले रुकते हैं वहाँ पे, कुछ खाएंगे। और हम बोले कि सुबह से भूखे। गाइस देखिए हम सुबह से भूखे हैं, बोले ना मेरे मामा को, तो भाई एक बार मतलब मेरे से पूछे भी नहीं कि क्या खाएगा, डायरेक्ट चलो भाई। ऐसा मामा होना चाहिए यार, फैमिली के साथ रहने से ना ये सब बहुत मतलब ध्यान रखता है यार, यही तो होता है फैमिली। A few moments later. So guys, ये चेक करो, बीच रास्ता में ही गाड़ी खराब हो गया यार, इस वजह से पूरा जाम लग रहा है। कैसे चला रहा है भाई, ओवरलोड की वजह से। ये चेक करिए गाइस, पूरा गाड़ी खराब। तो गाइस चलते हैं आप फटाफट से घर। ओ भाई ये रोड में ना गाड़ी चलाने बहुत मज़ा आता है यार, क्या भगाते यार बहुत तगड़ा भाई, दोनों टेम्पो का बीच से। ये चेक करो गाइस ये रोड देखो, स्ट्रेट माइल रोड, यही रोड का नाम है स्ट्रेट माइल रोड। ओ भाई गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सांची गोलचक्कर, जो सबसे मेन टाउन है, बीच में एकदम पड़ता है ये सांची गोलचक्कर। चारों तरफ से आएंगे तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, यहीं पे मार्केटिंग है पूरा। ये रोड ना कभी भी गलती से मत आइएगा आप लोग, नहीं तो भाई इस रोड में ना कलच दबा दबा के और ब्रेक दबा दबा के आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट रोड है भाई। आपको यहाँ से पूरा रामलीला मैदान तक, रामलीला मैदान भी दिखाऊँगा आप लोग को कहाँ पर है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा मार्केट रोड है, पूरा भीड़ भाड़ रहता है यहाँ। देखिए आगे से रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आ रहा है, मतलब उस साइड से आएगा ना तो आगे में बस चेकिंग होता है ना, इसलिए सब कोई रॉन्ग साइड से आता है क्योंकि हेलमेट नहीं पहना है। देख रहे हैं ना सड़ा सड़ा के टेम्पो चल रहा है, देख रहे हैं तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच गया। गाइस ये है रामलीला मैदान, यहाँ कार पार्किंग कर दिया, पहले यहाँ कार पार्किंग नहीं था। ओले ओले पकड़ते पा पा, ओ गुड। चलो थोड़ा सा प्यार कर दो ना तो पूरा ही खुश हो जाता है।